फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल माय हॉबी पेट्स। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि मैंने जो मक्खी की कॉलोनी लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ब्रीड स्टार्ट हो गई। और मैं जब अपनी एवरी में आया हूँ तो देखा है कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड चल रही है। तो एक ब्रीड में बताता चलूँ कि ये जो टोकरी सामने लगी हुई, जैसे कि ये मक्खी यहाँ पे सामने बैठा हुआ है, तो मैंने देखा कि इसके अंदर ये ब्रीड कर रहे हैं। तो ये टोकरी किसी दौर पहले मैंने यहाँ पे डव की टोकरी लगाई थी, उसमें अच्छी ब्रीड की थी। लेकिन जब अब यहाँ पे मक्खी रखे हैं तो मक्खी ने यहाँ पे ब्रीड अप करना शुरू कर दिया है। आपके सामने अगर दिखाता चलूँ तो यहाँ पे इस टोकरी में दो अंडे दे रही हैं। मैंने देखा कि इसमें नेस्टिंग मटीरियल बहुत कम है, जब ये अंडे सेकेगी तो नीचे से जाली और नीचे से इसको ठंड के साथ अंडे सही तरह सेक नहीं सकेगी। तो मैंने ये नेस्टिंग मटीरियल यूज़ किया है। अब ये इसके अंदर रखता हूँ ताकि अंडे आसानी से नरम नरम यहाँ पे रहें, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती है अंडों को सेकना सर्दियाँ आगे। तो अब रखते हैं इसको, और पहले तो अंडों को मैं साइड पे कर लूँ एहतियात से, क्योंकि अंडों को बचाना है टूटने से, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी इनको अदला बदली में ही कुछ ख़राब कर दें। तो इसको मैं इस टोकरी में रख देता हूँ एहतियात से, काम तो ख़तरनाक है लेकिन करना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर हम नेस्टिंग मटेरियल रखते हैं। नेस्टिंग मटेरियल अल्लाह करे ये एक्सेप्ट कर ले, उम्मीद बहुत है कि ये एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे चाहिए था कि जब इसने एक अंडा दिया था तब ही मैं इसको यहाँ पे इसकी नेस्टिंग मटेरियल दे देता। मैंने दी थी नीचे नेस्टिंग मटेरियल, लेकिन इसने इतनी ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल नहीं की। तो इसके अंदर अंडे रखते हैं। तो जी एहतियात से अंडों को यहाँ पे रख देते हैं, और एक बार ऊपर का व्यू देख लेते हैं कि व्यू ऊपर से कैसा आ रहा है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है ऊपर से अंडों का। तो अब मैं मक्खी को, जिसका इसकी फीमेल ही गालबन बैठी होगी, तो मैं मक्खी को इसके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो उसे लाइट में बंद कर देता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सुबह देखते हैं कि क्या बनता है।